डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स, इसका मतलब द गवर्नमेंट इज फेसिंग अ रेवेन्यू डेफिसिट। तो अभी समझ आया कि क्यों जरूरी था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स आइडेंटिफाई करना आना? ठीक है जी, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000 करोड़, रेवेन्यू रिसीट्स 8,000 करोड़, खर्चा ज्यादा है रिसीट्स कम है, तो देर विल बी अ डेफिसिट ऑफ 2,000 करोड़। डेफिसिट अच्छी बात की बुरी बात डेफिसिट फॉर अ डेवलपिंग नेशन? अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात, डेफिसिट। बट कौन सा डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी, रेवेन्यू डेफिसिट किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। सर ऐसा क्यों? अभी तो बताना कि इंडिया डेवलपिंग नेशन है, और डेवलपिंग नेशन यहाँ तो लिखा है बड़ी क्लियरली कि डेवलपिंग कंट्रीज जनरली हैव डेफिसिट बजट, बजटरी ओवरऑल डेफिसिट की बात हो रही है। रेवेन्यू डेफिसिट तो सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स की बात हो रही है, ध्यान से देखना, अंडरस्टैंड द मीनिंग। व्हेन योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स, इसका मतलब होता है कि डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए आपकी जो डे टू डे इनकम है वो इनसफिशेंट है, वो इनसफिशेंट है। मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए भी यू हैव टू डिपेंड ऑन कैपिटल रिसीट्स, यू हैव टू, क्योंकि अगर रेवेन्यू डेफिसिट आ गया अब ये कहाँ से मीट होगा? अब तो दूसरा कॉम्पोनेंट तो कैपिटल रिसीट्स ही बची। योर रेवेन्यू रिसीट्स वर इनसफिशियंट टू कवर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स थी 8,000 करोड़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 10,000 करोड़, आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। आपके डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए आपकी मंथली इनकम सफिशियंट नहीं है, तो आपको डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए भी लोन्स बोरो करने पड़ सकते हैं, अपने एसेट्स डिस्पोज ऑफ करने पड़ सकते हैं, तो वो सही नहीं, वो अच्छा साइन नहीं है। हाँ आपने लोन बोरो किया होता मशीन्स लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए जो आपकी फर्दर ग्रोथ बढ़ाएंगे, तो ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से आप डेफिसिट में जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर ग्रोथ आपकी बढ़ाएंगे। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी मीट नहीं कर पा रहा आपके रेवेन्यू रिसीट्स, तो प्रॉब्लम है ना, लॉजिकल बात। तो आगे जाके हम देखेंगे कि दूसरे जो ओवरऑल डेफिसिट्स हैं वो अच्छे साइंस हैं, ये रेवेन्यू डेफिसिट किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इट इज अ साइन ऑफ इनएफिशिएंसी, इट इज अ साइन ऑफ इनएफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इन दिस सिनेरियो द गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू बोरो टू मीट देयर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इधर दे विल हैव टू बोरो और दे विल हैव टू डिस्पोज ऑफ देयर एसेट्स, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स तो इनसफिशिएंट थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए। अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही पूरा मीट नहीं हुआ, गैप है, तो वो कैपिटल रिसीट से ही पूरा होगा। कैपिटल रिसीट्स में इधर दे लीड टू क्रिएशन ऑफ अ लाइबिलिटी और रिडक्शन इन एन एसेट। रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसर्न विद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स ड्यूरिंग गिवन फिस्कल ईयर। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट्स ओन रेवेन्यू इज इनसफिशियंट टू मीट द एक्सपेंडिचर्स ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्रोविजंस फॉर वेरियस सर्विसेस। कह रहे हैं उनके जो रेकरिंग इनकम है इट इज इनसफिशियंट टू मीट इट्स रेकरिंग एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं इम्प्लीकेशन, व्हाट डज इट इम्प्लाई, कि अच्छी बात की बुरी बात? बहुत बुरी बात। इट इंडिकेट्स इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज बजट। इट इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, डिस सेविंग मतलब यूटिलाइजिंग इट्स पास सेविंग्स टू मीट इट्स करेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज टू मेकअप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स, दैट इज ईदर थ्रू बोरोइंग्स और डिस इन्वेस्टमेंट्स। इट मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट ईदर लीड्स टू एन इंक्रीज इन द लाइबिलिटी और रिडक्शन इन एन एसेट। यूज ऑफ कैपिटल रिसीट्स फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्रिएट्स इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होता,
लोन्स बोरो करके, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्रिएशन ऑफ एसेट्स, क्रिएशन ऑफ एसेट्स इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द नेशन, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस होगी तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो जरूरी नहीं है महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी और आउटपुट नहीं बढ़ा तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन डिमांड बढ़ी और साथ में आपने अपना आउटपुट भी बढ़ाया तो मीट कर ली ना इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, तो क्यों होगी शॉर्टेज, क्यों होगी इन्फ्लेशन? क्लियर? हायर बोरोइंग्स कैन इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन इन टर्म्स ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, एंड इंक्रीज इन सच इंटरेस्ट बर्डन विल लीड टू इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर। आप शॉर्टफॉल मीट करने के लिए लोन बोरो कर रहे हो, लोन बोरो करोगे तो साथ में आपका इंटरेस्ट बर्डन भी तो बढ़ गया फ्यूचर, आगे जाके और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आप फंस जाएंगे, दिस विल फर्दर इंक्रीज द रेवेन्यू डेफिसिट इन फ्यूचर। अ हायर रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट, कह रहा भैया जा तो अपना खर्चे कम कर लो या अपना रेवेन्यू बढ़ा लो, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अ फार साइटेड अप्रोच रेवेन्यू रिसीट शुड ऑलवेज बी मोर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ताकि कुछ सरप्लस बने हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करें। आप तो कैपिटल रिसीट्स यूज कर रहे हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए, देर शुड बी सरप्लस विच कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, हाउएवर इंडिया तो इंडिया है, इट इज फेसिंग रेवेन्यू डेफिसिट फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स, कह रहे हम क्यों बेचारों पे टैक्स इम्पोज कर करके परेशान करें, तो हमें इकोनॉमी की ग्रोथ हमारी प्रायोरिटी है, उन पे मतलब खर्चा करना हमारी प्रायोरिटी है, जो भी है इम्प्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कह रहे कैसे करें रेवेन्यू डेफिसिट को कम, कह रहे जा तो रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ा लो, जा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000 करोड़ था, रेवेन्यू रिसीट्स 8,000 करोड़ थी, 2,000 का गैप है, करें या तो खर्चे को नीचे ले आओ गैप कम हो जाएगा, या और टैक्स डाल दो दो चार इनके ऊपर तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा और गैप कम हो जाएगा, कोई डाउट? कोई भी डाउट? तो इसी के साथ पहला डेफिसिट कौन सा, रेवेन्यू डेफिसिट समाप्त हुआ।